नमस्कार, मैं प्रतीक मिश्रा, रामा न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे नोटबंदी पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर और नजर डालेंगे नोटबंदी से जुड़े सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता ओजस्वी सिंह और उनके साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता अनिकेत सिंह जी। आइए अब हम बात करते हैं कांग्रेस प्रवक्ता अनिकेत सिंह जी से और जानते हैं उनसे नोटबंदी से जुड़े नकारात्मक पहलू। सर, नोटबंदी से जुड़े आपको क्या लगता है ऐसे कौन से नकारात्मक पहलू सामने आ रहे हैं? सबसे पहले तो यही बोलना चाहेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है जी। अभी भी भारत की उतनी आबादी नहीं है कि वो स्मार्टफोन यूज करे जी। आप देख सकते हैं 60% जो है हिस्सा भारत का पहले उसमें लगता है। अब आप सोचिए, इन्होंने नोटबंदी लागू कर दी है, किसान कहां से यूज करेगा अपना मोबाइल का, कहां से वो कैशलेस में जाएगा? तो सबसे बड़ा ये चोट लगी है किसानों को जी। इसमें सबसे बड़ी बात ये भी सामने आती है कि गांव बीलड़ के इलाकों में अभी भी मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं है और ऐसे में लोगों को एक बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए इस बारे में और चर्चा करते हैं बीजेपी प्रवक्ता ओजस्वी सिंह जी से। जी देखिए, क्योंकि हम लोग बहुत साफ समझ देख रहे हैं कि जितने भी अपने किसान हैं जी, वो सब उनको क्या कहते हैं, सारे किसान कार्ड हम लोग दे रहे हैं उनको प्रधानमंत्री योजना के तहत जितने भी चल रहे हैं हम लोग के, तो उससे क्या कहते हैं, जिससे धीरे धीरे उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही हैं और कोई इतनी दिक्कत नहीं आ रही है जी। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अभी भी गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, यहाँ कैशलेस की बात हो रही है। तो जैसे कि हम लोग शहरों में हम लोग बड़े ही आसानी से हम लोगों ने पेटीएम खोला, हम लोगों ने पेमेंट कर दी, लेकिन गांव में अभी भी इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग वहां पे ऐसे हैं जिनको तो अभी तक ये नहीं पता है कि वहां पे एटीएम से पैसे कैसे निकालने हैं। अरे साहब, एटीएम है तो एटीएम में पैसे नहीं, तो इतनी भी दिक्कत नहीं आई है। ऐसा नहीं कि हम लोग इस समय टोटली कैशलेस में मूव कर चुके हैं, अभी भी कैश की बहुत सारी अपनी जितनी भी मतलब अपना सर्कुलेशन जितना है कैश का जी, इतना जी। है समय की कोई भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। जितना भी किसान है अभी भी जाके कैश पर ही सारे अपना फर्टिलाइजर और सारी चीजें। सर, अगर सर्कुलेशन होता तो 99 मौतें ना हुई होती। सर, रोज जो है एटीएम में लाइन लगाई जाती है, इतना लिमिट दे दिया गया कि आप 2500 से ज्यादा कैश नहीं निकाल सकते हैं। सर, इसका क्या मतलब होता है? जी जी जी, मैं एक मिनट जो है बात करूंगा यहाँ पे कि यहाँ बात चल रही है इस वक्त कैशलेस की, मुद्दे को घुमाया नहीं, यहाँ पे इस समय लाइनों की बात नहीं हो रही है, जब मुद्दा उठ रहा है तो ये मुद्दा कहाँ से आ रहा है? अगर डिमोनेटाइजेशन को लिया जा रहा है तो इंडिया में पहले से देख लीजिए। आप बात तो सुनिए, नहीं पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो पब्लिक अभी तक रोडों पे ना उतर आती। बात मेरे सीधे, तो रोडों पे तो है, लाइन तो लगाया हुआ पब्लिक पूरी। अब इतनी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जाके तो देखिए, आप तो वहाँ पे जाके आप चाहे बिदरे सबको जी। सर देखिए, पहले तो हम ये कह रहे हैं फिजूल की बातें नहीं, यहाँ पे मेरे शो में फिजूल की बातें नहीं करनी है आपको। यहाँ पर मेरा सीधे से ही एक सवाल ये पूछना है कि जो गांव के इलाके हैं वहां पे अभी भी मोबाइल नेटवर्क की प्रॉपर सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है, लोगों को अभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे कौन से अभी तरीके ऐसे निकाले गए हैं जिनसे उन लोगों को एक सुविधा प्राप्त हो? देखिए, हम लोग का सर्वे चल रहा है जी, ठीक है। उस सर्वे से हम लोगों ने ये अभी तक पता किया है कि मतलब जितने भी नेटवर्क वहाँ पे पहुंच नहीं है, धीरे धीरे उसको कवर अप किया जा रहा है जी, कि उसको कोई आगे दिक्कत ना हो। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कार्ड बनाने चालू कर दिए हैं कि अभी धीरे धीरे पहले वो बैंक से ही करना चालू करें, उसके बाद वो इंडिविजुअली अपने मोबाइल पे सीधे मूव ऑन करेंगे जी। इसलिए हमने पहले उनको कार्ड भी देना चालू किया, किसान कार्ड जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली लॉन्च किया गया है, इसीलिए किया गया कि वो धीरे से बैंक से पहले चालू करें, डिजिटलाइजेशन में वो मूव करें, उसके बाद धीरे से वो मोबाइल पर आएंगे जी। जी साहब, इस समय एक दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये सामने आ रहा है कि जो अर्थव्यवस्था के जो जानकार हैं उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि नोटबंदी के इस फैसले से जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पे उसको एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, करोड़ों की चपत लग सकती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अनुमानित था ही कि जब नोटबंदी से ये आया, सबसे पता है कि इसका जो अपना भारत की अपनी GDP जो थी जी, वो पहले अनुमानित थी 7.5 की जी, अब अनुमान में आ चुका है कि ये 6.5 के आसपास रहेगी। और अभी रिसेंटली एक सर्वे में आया इस चीज का कि अगले साल 1,70,000 लोग बेरोजगार होंगे और उसके अगले साल 1,80,000 लोग। नोटबंदी के फैसले अचानक लेने से ये हो रहा है। आप देखिए, एक नोट छापने में भारत सरकार को पहले नोट छापने में 2 रुपए लगते थे, 2 रुपए 53 पैसे लगते थे एक नोट छापने में 1,000 का। अब जो इन्होंने 2,000 का नोट लॉन्च किया है, इसको छापने में 7 रुपए लगते हैं। ऐसे करके अगर आप देखें तो 34,000 करोड़ रुपए की चपट लगी है RBI को।
जी मैं आपके क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात पे बोलना चाहूंगा। अभी आपके राहुल गांधी ने क्या कहते हैं यहाँ पे मेरठ में अभी जब उन्होंने अपनी स्पीच दी है उसमें उन्होंने खुद बोला कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं इतने कुछ करोड़ लोगों को अभी क्या कहते हैं अपनी नौकरियां दूंगा। उसमें से आपके क्या कहते हैं राहुल गांधी जी ने खुद ही उसमें बोला है कि क्या कहते हैं कि 130,000 लोगों को उन्होंने अगले ही महीने क्या कहते हैं तुरंत एम्प्लॉयमेंट दी थी। तो एम्प्लॉयमेंट में कोई भी मतलब डिक्रीज नहीं आया है जैसा कि आप अभी तक कह रहे हैं। और रही बात क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था की, तो अपने जो इस समय अर्जुन राम मेघवाल हैं अपने क्या कहते हैं यूनियन मिनिस्टर हैं उनकी रिसर्च ने ही खुद उन्होंने बताया क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्लान है। उन्होंने खुद कहा कि आने वाले समय पे अगर इसको टाइम दिया जाएगा तो 10% इंक्रीमेंट आएगा अपनी जीडीपी में। लगता है आप अपना होमवर्क करके नहीं आए उर्सी जी। सबसे पहले आप अपने पॉइंट्स देखिए। आप कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात, अगर नोटबंदी से लागू हुई है अनएम्प्लॉयमेंट की बात तो आप जितने सर्वे फॉरेन कंपनीज के सर्वे उठा के देख लीजिए कहां पे स्टैंड कर रहे हैं आप खुद पता चल जाएगा। और जो आप नोटबंदी का फैसला ये बता रहे हैं ये कांग्रेस सरकार ने पहले लॉन्च किया था और वो आप ही की सरकार थी जो सड़कों पे आ गई थी जिसने मना किया था कि डिमोनेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो इस फैसले को आप इस चीज में मत लीजिए। देखिए उस टाइम आपके पास भी था पूरे टाइम, उस समय आप काले धन पे बात करते लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। कितना काला धन आ गया आप ये बताइए, काला धन आपको ही पता। यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आज से कुछ समय पहले जब कांग्रेस ने ये बात बोली थी कि नोटबंदी की बात जब कही गई थी तब जो है बीजेपी ने ही उसका जो है पुरजोर विरोध किया था। देखिए बात एक बात यहाँ पर ये आती है कि नोटबंदी ये पहली बार नहीं हो रही है, नोटबंदी इस देश में पहले भी बहुत बार हुई है लेकिन जो मुसीबतों का सामना लोगों को इस बार करना पड़ रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो देखिए नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही ये बात बोल दी थी कि देखिए कठिनाइयों को आपको झेलना पड़ेगा क्योंकि ये कोई इतना छोटा डिसीजन नहीं था कि एकदम से आप काला धन एकदम से कहीं जाके खत्म हो जाए। जब से हुआ है आप टैक्स पे में देख सकते हैं कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितने लोगों ने एकदम से टैक्स दिया है, बिजली के बिल दिए, पहले कोई नहीं दे रहा था, एकदम से इंक्रीमेंट हुआ है इन समय वो भी थोड़ा बहुत नहीं 40-45% में इंक्रीमेंट आया है इन सब चीजों में। ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा मोदी जी ही वो पर्सन है जिनकी वजह से आज लोग आरबीआई पे सवाल उठा रहे हैं, आरबीआई बैंक पे सवाल उठ रहे हैं, सिर्फ उनकी सहायता पे सवाल उठ रहा है कि आरबीआई बैंक किस पे काम कर रही है। 50 दिन में 60 बार उन्होंने रेगुलेशन चेंज किए हैं, 60 बार मायने रखता है ये क्या है। और जी मैं एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी बोलना चाहूंगा कि अभी ऐसा हुआ था कि 2000 के जो नोट आए थे उनमें कुछ जो है गलतियां थी, वो शायद ऐसा था कि वो नकली नोट थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय ऐसा कहा कि ये माइनर मिस्टेक है। साहब देश का प्रधानमंत्री कैसे बोल सकता है कि ये माइनर मिस्टेक है। देखिए जितने भी नकली नोट है उन सब पे कार्यवाही चल रही है, सारे पकड़े जा रहे हैं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं कि हम उनको ढील दी जा रही है। साहब ढील तो दी ही जा रही है, आप लोगों ने नोटबंदी का फैसला आया 15 दिन बाद आप लोगों ने पहली रेड मारी। अरे उन 15 दिनों में जो आर पार होना था वो तो हो चुका। देखिए क्या है कि यहाँ पे सिस्टम में मिस्टेक नहीं, ऊपर जी नीचे के जो लोग हैं जब वही उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो कहां से चीज जी। आप ये बहुत एक बात बताइए प्रतीक जी, आप एक बात बताइए, ये सरकार सही में सूट बूट वाली सरकार है। जितनी भी नोटबंदी का फैसला था ये जितने भी रईस बिजनेसमैन जितने हो गए अंबानी और टाटा बिरला इनको नहीं पता था पहले से। आप ये बताइए आज के टाइम पे जो ये जियो चला हुआ है वो कहां से आ रहा है, कहां से अर्न कर रहा है, ये उसने डिसीजन कैसे ले लिया कि आफ्टर 30th December इस पे पैसा लगेगा। जी देखिए जियो का यहाँ पे इसको जोड़ना थोड़ा सर ठीक नहीं रहेगा सर, वो हर चीज को पहलू को लेके चलिए जी, कहाँ से इनके पास आ रहा है ये बात तो बिल्कुल गलत है। ये जो कह रहे हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है वो उनका सर आगले यही बताते हैं। इस चर्चा में मैं चाहूंगा कि जो नोटबंदी की बात है उसी को रखा जाए, कोई किसी बाहरी आदमी को इसमें ना घसीटा जाए, जो चर्चा चल रही है उसी को आगे बढ़ा जी। एक सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये सामने आ रही है कि लीजन जो कि एक बहुत बढ़िया एक हैकिंग का संगठन है उसने सीधे सीधे एक खुली धमकी दी है कि अगर नोटबंदी का ये चलता है तो वो कैशलेस के ऊपर वो एक हैकिंग का पूरा वो करने वाले हैं जिससे कि बहुत ही करोड़ों की चपत लग सकती है। ये सीधी धमकी दी है लीजन ने और लीजन सभी जानते हैं कि बहुत ही बड़ा हैकिंग का संगठन है। तो इस बारे में मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता है ओजस्वी सिंह जी उनकी क्या राय है। देखिए अभी एकदम से इसलिए अभी मोदी जी ने एक अपना ऐप निकाला है जिससे आप कर सकते हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं हाईली सिक्योर्ड ऐप है जिससे साइबर सेल उसमें पूरा इंगेज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और साथ ही रही बात डिमोनेटाइजेशन की, वो सिर्फ एक कैशलेस को मूव करने के लिए नहीं था, उसमें ब्लैक मनी भी था,
टेरर के जो फंड्स थे उसको काटने के लिए भी किया गया था जी, जितना ब्लैक मनी था उसको बाहर लाने के लिए भी किया गया था कि टैक्स पे भी हम लोग का ज्यादा है, और इससे जो आने वाले समय में जो भारत की जीडीपी में जो इंक्रीमेंट आएगा वो आप देखेंगे। ये सिर्फ एक कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है सर, इसको सब लोग छोटे तरीके से देख रहे हैं सर। जो प्लान है वो इंडिया को लेके बनाया जाना चाहिए सर, सर इंडिया को लेके बनाया चाहिए जो प्लान था, आपने पहले से उसको लागू कर दिया। एक रात में आपने फैसला लिया, एक रात में आपने पूरे आरबीआई को बोल दिया, एक रात में आपने फैसला लागू करा दिया। इसमें आप ये सोचिए कि इंडिया अभी उतना उठा हुआ नहीं है कि आप इस चीज को लेके इतना चल रहे हैं। आपको प्रायर नोटिस कम से कम एटलीस्ट देना चाहिए था इस चीज को लेकर के। हर चीज में समय लगता है, अगर आप सोचे आपने पेड़ अभी लगाया एकदम से वो फल देते तो ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। तो आप देखिए तो पेड़ कौन सी जमीन पे लगा रहे हैं आप, आपको समय देना पड़ेगा उस चीज के लिए। सर आखिरी सवाल जो मैं आप दोनों से करना चाहता हूँ वो ये है कि अभी ऐसा जो है दिखाया जा रहा है कि जो 2000 के जो नोट हैं वो आने वाले समय में उनपे भी बैन लग जाएगा, तो अभी लोगों ने इतनी मुसीबतों का सामना किया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने कैश जमा किया, अब फिर वापस से जो है नोटबंदी हो जाएगी, नहीं, 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 फिर से वो नोट बदले जाएंगे। देखिए तो जो बात आई है ये एक अफवाह है, ऐसी कुछ भी नहीं, ऐसे बीच में आया था कि 2000 रुपए के नोट में कोई चिप लगी हुई है, ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। ये सिर्फ एक फालतू की कहते हैं रूमर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोबारा बंद हो जाएंगे या फिर कुछ होगा। आएगा तो आपको पहले नोटिस भिजवाया जाएगा, आपको सारी चीजें पहले रेगुलेट कर दी जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जी अब चलते चलते मैं अपने दोनों मेहमानों से चाहूंगा कि अपनी कुछ एक विशेष टिप्पणी करें। वो सबसे पहले मैं पूछूंगा ओजस्वी सिंह जी से। जी जी देखिए ये प्लान बनाया है मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन के ऊपर जो काम चल रहा है, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, ये कोई बहुत छोटा प्लान नहीं कि हाँ इसको लगाने के आप तुरंत एक दो महीने बाद तुरंत इस पे क्या कहते हैं पॉइंट उठाने लगे। आपको इसका रिजल्ट खुद ही मिलेगा आने वाले समय पे, और जनता को पहले कुछ समय में दिक्कतें हुई थी उन्होंने पहले भी कहा था जी, और आने वाले समय में अब जनता भी उसका समर्थन करती है कि हाँ ये एक सही कदम है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने सामने देखा है ना कितना ब्लैक मनी उनके सामने ही फेंका गया है ज्यादा के घरों के सामने जी। तो ये जनता खुद देख रही है और समझ रही है और उसका समर्थन भी कर रही है, तो सच्चाई है तो जनता समर्थन कर रही है जी। अनिकेत सिंह जी आप इस पे अपनी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? हम लोग तो इतना ही कहेंगे कि ये देश को ना देख के अनदेखा देख करके ये डिसीजन लिया गया है पूरा जी, इस पे फिर से विचार करना चाहिए मोदी जी को जी। यही कहना चाहूंगा कि ये देश अभी भी उतना नहीं उठा हुआ है कि इस पे आप कैशलेस की इकोनॉमी पे ठोपे आप इस चीज को जी। आप पहले एक प्लेटफॉर्म सेट करें, एक पूरा नोटिफाई दें, उसके बाद आप इस चीज को करें, और ऐसा करें कि धीरे धीरे उतरे, अचानक से आप एक बार में बंद करने से सब चीज प्रभावित होता है। अनिकेत जी आप ये बात भूल रहे हैं कि ये सिर्फ एक कैशलेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया गया है, ये और भी चीजें इंगेज्ड हैं। ओजस्वी जी अगर ये बात बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसे इतनी बातें आ जाएंगी कि कोई भी आपका नहीं निकलेगा जी। जी मैं ये बात तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर केवल कैशलेस के अगर मुद्दे से देखा जाए तो वहीं पर ही नहीं, इससे आतंकवाद और बाकी सारी चीजों को भी देख करके ये जो फैसला लिया गया है, तो हाँ दिक्कतें हैं लेकिन अब उनके दोनों ही पहलू हैं, तो दोनों पर ही बराबर से एक ध्यान देना चाहिए, और अगर दिक्कतें हैं तो उनसे आगे चल करके हमको एक लाभ भी जरूर मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हम लोग का यही आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री जी से जी, आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसको सर्वसम्मति से रखें जी, एक बार अचानक डिसीजन ले लेने से खुद से ना रखें जी। देखिए इस पे एक बहुत बड़ा पैनल बिठाया गया था और बहुत चर्चा हुई थी, पहले सर्वे किए गए थे उसके बाद किया गया ये, तुरंत हम लोगों ने सर्वे किए थे, अपने पास सारे सर्वे हैं, उसमें पब्लिक का जो रिजल्ट आया था वो पॉजिटिव था, इस वजह से इसको और आगे बढ़ाया गया है। तो मैं इस चर्चा को यहीं पर ही अंत इसका करना चाहूंगा कि जो ये फैसला आया है नोटबंदी का, इसके दोनों ही पहलू हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, अब बारी है जनता की कि वो इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करूंगा कि वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा रामा न्यूज पर, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।